और एक हैशटैग रहेगा आर्मी के जवान को रिहा करो, आर्मी के जवान को रिहा करो हिंदी में रहेगा। आर्मी के बाद वो जो नीचे लगता है वो लगाया जाएगा, आर्मी के जवान को रिहा करो नीचे जो भी लगता है उसको लगा के जो है हैशटैग बनाया जाएगा। और एक इंग्लिश में रिलीज राधा मोहन, ठीक है, और दो हैशटैग रहेगा हम लोगों को उसको जो है जो अपने डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी उनसे टैग करना है, अपने प्राइम मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनसे टैग करना है, और चूंकि आर्मी जो है राष्ट्रपति के अंदर में आता है तो राष्ट्रपति महोदया से भी टैग करना है। और आर्मी का एक अपना जो है ट्विटर है, एक अपना ट्विटर है आर्मी का, और उस आर्मी के ट्विटर से जो है ये @ लगा देना है, मतलब कि टैग कर देना है, 4 ट्विटर से टैग कर देना है। उसके अलावा जो है आप लोग यहाँ के मुख्यमंत्री पे भरोसा हो तो मुख्यमंत्री से भी आप लोग जो है वो @ लगा के जो है उनका नाम डालेंगे, लेकिन सारा वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए, ब्लू टिक वाला, क्या ब्लू टिक वाला, मोदी जी का ब्लू टिक है, राष्ट्रपति महोदया का ब्लू टिक है, जो आर्मी का जो है अकाउंट है वो ब्लू टिक है, और जो राजनाथ सिंह जी का है ब्लू टिक है। उसके अलावा अगर बिहार के किसी नेता को आप लोग टैग करना चाहते हैं तो टैग कर दे, रिलीज राधा मोहन, रिलीज राधा मोहन, और आर्मी के जवान को रिहा करो, ताकि लोगों को समझ में आएगा कि राधा मोहन कौन है और आर्मी का जवान कौन है, ठीक है, तब लोगों को समझ में आ जाएगा। नहीं तो बहुत सारे जगह पे जो है अपराधियों को भी रिलीज कराने के लिए ट्विटर पे कैंपेनिंग होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है ना, तो यहाँ पे स्पेसिफाई होना चाहिए कि आर्मी के जवान के लिए ट्विटर कैंपेनिंग हो रहा है, और आज शाम 6 बजे से लेके शुरू करना है हम लोगों को, और जब तक उनकी रिहाई नहीं होती है तब तक हम लोग ट्विटर पे कैंपेनिंग करेंगे। ट्विटर पे कैंपेनिंग करना क्यों जरूरी है, क्योंकि सारे VIP वकील, सारे बड़े नेता, सारे बड़े बड़े लोग, सब लोग ट्विटर पे रहते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते हैं, रहते हैं ना, तो उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा और हम लोग आवाज उठाएंगे, ठीक है। और इसके बाद से अगर मेरे अंदर कोई भी कमी होगा हम लोग बाहर जाके लड़ लेंगे, इनके अंदर कोई भी कमी होगा हम लोग बाहर जाके लड़ लेंगे, लेकिन इस मुद्दे पे अगर अनिकेत भाई बोल रहा है तो उनको बोलने दिया जाएगा, वो अगर कुछ गलत बोल रहा है तो फिर उसका खंडन हम करेंगे। हम बोल रहा है अगर कहीं ट्विटर कैंपेनिंग में कुछ गड़बड़ है या कुछ जोड़ना चाहते हैं तो अनिकेत भाई जुड़वाएंगे, लेकिन बीच में अगर हम लोग डिस्टर्ब करेंगे तो ये सैकड़ों मोबाइल से जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो जानते हैं क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि इन लोगों को पैसा कमाना है इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं, इन लोगों को पैसा कमाना होगा तो कहीं भी वीडियो बनाएंगे ऑर्केस्ट्रा वाली का, या कहीं भी जाकर वीडियो बनाएंगे, वीडियो चलेगा, सही है कि नहीं है। ये लोग भी आर्मी के जवान का सम्मान करते हैं इसलिए यहाँ पे खड़े हैं, जितने भी हालांकि लोग मीडिया वालों को कहता है कि 300 रुपया का माइक उठा के चल दिया पत्रकार बनने, सच्चाई ये है कि वो 300 रुपया का माइक उठा के चल दिया है हिम्मत दिखाने, आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है। कुछ लोग कहता है कि उसको बोलने भी नहीं आता तो वो पत्रकारिता कर रहा है, तो आपको जब बोलने आता है तो आप कहे नहीं कर रहे हैं, ये चीज है। तो सभी जो भी, हम तो डिजिटल मीडिया के पत्रकार को दिल में बसा के रखते हैं, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ उनके वजह से हूँ, जो भी हूँ डिजिटल मीडिया के पत्रकार की वजह से ही है मुद्दा जो है ऊपर तक गया। नहीं तो स्टूडियो में बुला के जो है अगर बड़ा दूसरा मुद्दा रहता ना तो अनिकेत भाई और इनको जो है बड़ा बड़ा एयर कंडीशन स्टूडियो में बुला लिया गया रहता, और पता है क्या चीज से बुलाया जाता, फ्लाइट से पटना से डायरेक्ट नोएडा दिल्ली, और दिल्ली एयरपोर्ट पे टर्मिनल पे जो है इनोवा गाड़ी खड़ा रहता और सीधे ले जाता स्टूडियो। ये लोग जो है वहाँ पे सरकार का पक्ष और विरोध करते और फिर फ्लाइट से पटना भेज देता और कुछ पैसा भी देता, लेकिन ये डिजिटल मीडिया के पत्रकार जो है यहाँ पे आए हैं इस उम्मीद से आए हैं, चाहे वो 300 रुपया का माइक हो, चाहे कोई पत्रकार जो है मेरे खिलाफ में वीडियो क्यों नहीं बनाता हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे अंदर कमी होगा तभी वो मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा है, ये बात सही है। लेकिन अगर वो यहाँ पे आया है आर्मी के जवान के मुद्दे पे, वो पत्रकार चाहे 5000 का मोबाइल लेके 300 रुपया का माइक लेके, तो उसको आर्मी के जवान से प्यार है, जिसको नहीं प्यार है वो यहाँ पे नहीं आया है, ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को समझना होगा। और हमें, मैं पहला ही दिन, आप लोग वीडियो देखिए जाके, कि कुछ लोग हमें डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग गुस्सा दिलाने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग भगदड़ मचाने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग उपद्रव मचाने का प्रयास करेंगे, अनिकेत भाई भी बोले, मैं भी बोला और दीदी भी बोली, लेकिन हमें डिगना नहीं है, अपना काम करते रहना है। अब क्या पता अनिकेत भाई अगर घर में जरूरी इमरजेंसी पड़ जाएगा तो क्या यहाँ पे बैठे रहेंगे, क्या दीदी यहाँ पे बैठी रहेंगे, लेकिन हम जहाँ भी रहेंगे, चाहे आप घर पे रहे, यहाँ पे रहे, या अपना एग्जाम देते रहे, या दिल्ली रहे, आर्मी के प्रति अगर आपको प्यार है, अगर हमारा आर्मी का जवान गलत है
तो उसको जेल में सड़वा दीजिए लोग। लेकिन अगर हमारा आर्मी का जवान निर्दोष है तो उसके लिए आवाज कौन उठाएगा? उठाएंगे। और ये बात बताइए, इसमें कितना विधायक का बेटा लोग है, कितना सांसद का बेटा है, कितना करोड़पति का बेटा है, कितना बड़ा बड़ा बिजनेसमैन व्यापारी का बेटा है? सब साधारण परिवार का लड़का है सर, है कि नहीं है? इसलिए पता है साधारण परिवार का लड़का क्यों लड़ रहा है, साधारण परिवार का युवा क्यों लड़ रहा है कि कल सड़क पे हमारे साथ भी बदतमीजी होगा, कल हमें भी दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, और आज अगर आर्मी के जवान को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमें कौन इंसाफ दिलाएगा? इसलिए लड़ रहा है लोग, सभी लोग। ऑफिशियल जो सशक्त न्यूज है और आपका चैनल है उससे आप इस बार डिटेल में ट्वीट कर दीजिए ताकि लोगों को आसानी आएगा भी ट्वीट करने में। ठीक है, आप टीम से मैं बता देता हूँ, मेरे अकाउंट से मनीष कश्यप का जो फेसबुक पेज नहीं है, अकाउंट जिस पे 290,000 के आसपास फॉलोअर है, वो अकाउंट से और अनिकेत भाई के अकाउंट से, फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट जाएगा जो सिर्फ हैशटैग का रहेगा कि कहां कहां क्या हैशटैग लगाना है और किससे किससे टैग करना है, किन किन नेताओं से टैग करना है। और हाँ, ट्विटर पे एक ही बात बार बार नहीं लिखना है, वो स्पैम में चला जाता है। क्या चीज में चला जाता है? स्पैम में। तो अगर आप 50 ट्वीट करेंगे या किसी का कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो सारा स्पैम में जाएगा। आप अपनी बातों को रखेंगे और हमेशा अलग अलग चीज को लिखेंगे, हमेशा अलग। अभी मैंने बोला ना, सुनिए ना, मैंने बोला ना कि आप बोलिएगा हम लोग जानते हैं कि सोनू सूद से मनीष भाई को अच्छा परिचय है, तो सोनू सूद भी अगर रिट्वीट कर दे अपने तो पूरा इंडिया और मनीष भाई जान जाएगा। और मनीष भाई 2020 में जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपके साथ ही रहे संडे हो ना, मैं सोनू सूद से इस बात को कहूंगा, ना खान सर से कहूंगा, और ना देश के किसी सेलिब्रिटी से, ना देश के किसी नेता से। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप आर्मी के जवान के साथ खड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ठीक है कि नहीं है? हम किसी से नहीं कहेंगे, सही है कि नहीं है? हम किसी से नहीं कहेंगे, किसी से नहीं कहेंगे। अगर उनको लगता है, सोनू भैया को लगेगा कि नहीं हमें खड़ा होना चाहिए, खड़े हो जाएंगे, या उन तक बातें पहुंचेगी वो खड़ा हो जाएंगे। ये चीज है हमारा रिस्पॉन्स, हम आके यहाँ पे चीजों को देखे हैं, हम खड़े हो गए। अनिकेत भाई देखे खड़े हो गए, विशाल भाई झारखंड में थे, 600 किलोमीटर रात भर गाड़ी चला के वो साधारण से शख्स दिखाइए, घुमाइए लोग इनके चेहरा पे, 600 किलोमीटर ये गाड़ी चला के यहाँ पे आए हैं। और यही नहीं, कुछ लोग साइकिल चला के आया होगा, कुछ लोग अपने बाबूजी से गाली सुन के आया होगा, मोटरसाइकिल में तेल डलवाने के लिए बाबूजी से पैसा मांग के आया होगा, अब बाबूजी बोलेंगे कि जा तेरा फैन, कहां से पैसा आई? लेकिन उसके लिए भी आया होगा, कुछ लोग बस से, कुछ लोग ट्रेन से, कुछ लोग पैदल आया है कि नहीं आया? हमारी लड़ाई होगी, आपस में हम लोग लड़ेंगे आपस में, लेकिन इस मुद्दे पे आपस में नहीं लड़ेंगे। इस मुद्दे पे अगर मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना मेरे भाई, थोड़ा सा मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ, ठीक है? कड़वा दवा और कड़वा बोली कभी नुकसान नहीं करता है, याद रखना आप, ये चीज है। तो कभी कभी मेरे से गलती हो जाता है, मैं माफी चाहता हूँ। ये 100 मोबाइल कम से कम खुला होगा, 100 मोबाइल के सामने, लेकिन मैं आप लोगों का कदर करता हूँ, उम्मीद है कि आप लोग भी मेरे भावनाओं का कदर करेंगे, और हम सभी लोग एक दूसरे का कदर करते हैं। उम्मीद है कि हम सभी आर्मी के जवान का कदर करते हुए उन्हें जल्द से जल्द जेल से बाहर निकलवाएंगे। और हाँ, एक और चीज याद रखना, किसी भी प्रशासन के अधिकारी या प्रशासनिक लोगों को जो है गाली नहीं देना है, नहीं देना है, क्योंकि उसके लिए सब लोग दोषी नहीं है। हमारे बिहार के बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होते हैं, और इस साल भी 2 पुलिस वाले हुए हैं, होता है कि नहीं है? बहुत सारे लोगों को मुख्यमंत्री सम्मानित करते हैं, बहुत सारे लोग जो है पुलिस वाले के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं कि कितना कष्ट में वो लोग ड्यूटी करते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग गलत है जो पूरे पुलिस वालों को बदनाम करते हैं। तो हमारी लड़ाई पुलिस वालों से नहीं लड़ना है, हमारी लड़ाई जो करप्ट सिस्टम है, भ्रष्ट सिस्टम है, और सिस्टम में बैठे भ्रष्ट नेता है, कौन भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट सिस्टम और भ्रष्ट नेता, उनसे लड़ना है। और उम्मीद है कि इस बार जो है होली में हमारा जवान जो है घर पे जो है अपने परिवार के साथ होली जरूर खेलेगा। ठीक है अनिकेत भाई, आप कुछ बोलिए। जितने भी हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं,
6 बजे से आप सभी को अपने अपने सोशल अकाउंट से यानी कि फेसबुक से या ट्विटर से वही चीज लिखना जो अभी मनीष भाई ने बताया आप लोगों को, जैसे कि अभी अनिकेत रंजन सोना किसान जो मेरा पेज है, हमने उस पर अभी एक पोस्ट डाला है। उस पोस्ट पर सबसे ऊपर हिंदी में हमने लिखा है कि रिलीज आर्मी राधा मोहन को रिहा करो, जैसा कि हम लोगों ने विचार किया है, और उसी जस्ट नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है रिलीज राधा मोहन, रिलीज राधा मोहन। और ऐसे ही देख लीजिए आप लोग, ऐसा ही है इसको जूम करके आप लोग दिखा दीजिएगा। अनिकेत रंजन सोनप किसान पेज है, उसको देख लीजिए, या मनीष कश्यप जी का जो पेज है और उनका जो अकाउंट है उस पर जाके आप लोग देख लीजिएगा। और इसी को सेम और 6 बजे से पहले आप लोग फेसबुक पर डाल लीजिए, व्हाट्सएप पर डाल लीजिए, सब ग्रुप में डालिए, सबको कहिए कि 6 बजे से ट्विटर पर हम लोगों को डालना है। और ये चीज लिखने के बाद